सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैर खैरियत से। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। जो बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा दे और सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जो परेशान अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। तो इसी के साथ करती हूँ जी आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, मशीन लगाई हुई थी सुबह की, वो अभी कपड़े शपड़े सूख गए, ऊपर से छत से लेके आई हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, जो भी सीन बनता अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। तो चलती हूँ किचन में जाके अपना काम स्टार्ट करती हूँ। रहीम जी, शाम का टाइम हो गया है, आटा शाटा मैं गोने लिया। तो दाल असी मस्तां दी बना रहे हैं, ये रखी है नहर वाला पानी पा के अच्छी तरह नहर ते नलका लगा उतो लैके आई दा पानी, तो उस दाल वगैरह सही नरम हो जाती है, अच्छी तरह घुल जाती। तो हूँ पाना असी बिच मसाले पा देंगे, तड़का बाद बिच लगावांगे। तो हूँ नाल ही नमक लून मिर्च भी पा दें। मैमा बेटा की होया मेरे चोने नूं, है ये मैमा दे कन्न जे दर्द हो रही है, तो मैमा मेरी रो रही है। हुण ड्राप भी अगे पाए, कोई फर्क नहीं पिया। मैं बेटा मसाला पा लैना बिच, फिर मैं तैनूं चुक लैना। ये मसाला असी पा दते, हुण इत्थे पकदे रहे अच्छी तरह नरम हो जाए दाल। ने राही जी मसाले पाते, तो अग बुझ गई सी, अग बालते हैं हुण। जिसमें सब धनिया ते लहसुन, ये सुखा लहसुन खत्म हो गया, तो हुण दूसरा लिया सी, तो ये बिच पाते हैं, यदा तड़का लादी हैं, लैके चल दी अंदर। तो असी दो कट रहे हैं, तो एक रख लिया है, फिर कम आएगा क्योंकि लहसुन घरों बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इस वास्ते ना बाजार वाल गए, तो फिर चक्कर लगा, तो फिर सही, क्योंकि जिन्हों के जमीन है नवा लहसुन आ गया उन्होंने नहीं मसला, तो साढ़े वर्गे फिर मसला बन जाता है जड़ी चीज़ भी ना है घर। हाँ जी, धनिया ले आ जी, तो हूँ इन भी छोटा छोटा करके ना छापर च पा के फ्रिज रख लाँगे। असी आटा शाटा गुन के रख लिया, तो दूध भी गर्म हो गया, तो हूँ मैं लैनी हूँ कढ़ाई। मुर्गी वाली बाल्टी रहीम जी, तड़का चला रहे हैं। आ गई थी सिस्टर हमारा जी काल, माशाल्लाह जी अल्लाह पाक उन्होंने खुश रखे। तो सिस्टर ने कहा कि मेरे वास्ते ना बहुत ही दुआ करो कि अल्लाह मियाँ उन्होंने भी बचे, तो माह रमजान दे महीना है, अल्लाह पाक जी सारे दी आबादा भी कबूल करे, तो अल्लाह पाक बे औलादा नूं औलाद भी दे, तो अल्लाह पाक हर किसी दी हर ख्वाहिशां पूरियां करे। तो मैमा मेरी बैठी है, वो कान दर्द हो रही है, रो रही थी, तो उन्होंने किसी बिस्कुट शिटके दे के ना तैयार इशारे लाया है, तो उन्हें कहा भी तू इतने बैठ के बेटा मैं दो मिनट ना हाँ काम कर ला, नहीं तो शाम हो गई, अफतारी का टाइम हो रहा, तो मैं कोई चीज़ तैयार कर ला, क्योंकि बच्चे जो छोटे होने इस तरह के मसले कई बन जाते। फिर पता नहीं ये कानू अगे भी काफ़ी दिन दर्द रही है, तो हट गई थी, तो हूँ फिर दे हमारी तड़का थी अच्छी तरह हमें बुनाई कर दें, क्योंकि ऐसा को दूसरा लहसुन नहीं किया जी। तो चूल्हा बंद कर दिता, तड़का साढ़ा अच्छी तरह बुनाई हो गई, हूँ असं पा दें दाल के बच्चेनू, क्योंकि नमक मिर्च पहले ही पाता है। तो हूँ इतने कपड़ा चुकना, दूसरा धोता होया ये ही चुक के जी, हूँ असी ना तड़का बिच पाने जो बना के लैके आए। बिस्मिल्लाह
दाल हजे थोड़ी जी साड़ी नरम है, मसे कोल गई बिल्कुल ही। नाल ही असी धनिया पा दें, सॉरी धनिया पा दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, शाम का टाइम हो गया, असर की नमाज पढ़ के हटी हूँ, तलावत की है, तो अभी शाम के लिए जो भी बनाती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। तो दूध गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने, लहसुन प्याज भी तैयार कर लिया है, तो अभी जो बनाना है वो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, किचन में मैं आ चुकी हूँ, तो अभी मैंने देसी घी धो के रख ली है, दूध देसी घी में था वो भी डाल लिया है, तो अभी मैंने जो काम करना है वो ये वाली बाल्टी धोने वाली है। हाँ जी ले आई है चीज़ की, लेके आई है खांसी वाली टॉफी। अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, ये बाल्टी भी धो के मैंने अपने पास रख ली, इधर ली साइड पे रखती हूँ। ये लिया एक गिलास मैंने लस्सी का, आज बनानी है सिंपल सादा सी कढ़ी, पकौड़े चकौड़े नहीं बनाने, तो ये लस्सी मैंने ले ली है। अभी ये बेसन का एक मग लिया है, तो अभी जी इसे मिक्स करना है, इसी डोई के साथ ही मिक्स कर लेती हूँ, लकड़ी वाली के साथ अच्छी तरह जल्दी मिक्स हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल गिल्टी वगैरह कोई ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है इसे। पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि समीर बेटा कह रहा है कि मैंने सब्जी नहीं खानी, कल दाल उसे मसरों की दाल बना के दी थी, आज फिर कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि उसे कोई सब्जी पसंद नहीं आ रही, जो उसे सब्जी पसंद आ रही है वो हम लेके अभी खा नहीं सकते, इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसे भिंडियाँ पसंद है, भिंडियाँ है 450 रुपये किलो, तो इसलिए मैंने कहा बस इसी तरह गुजारा मुजारा चलाते हैं, शकम आ जाएगी, शकम को तनख्वाह मिल जाएगी, तो फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। अच्छी तरह पहले इसे मिक्स कर लेती हूँ। रमानी रहीम जी, लस्सी में बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तीली भी ले लिए और साथ में डब्बे भी निकाल लिए हैं, और घी वाली बाल्टी इधर पड़ी है ये भी निकाल लेती हूँ, ये छाबे नीचे गिर ना जाए। ये सारी चीज़ें उठा के ना बाहर लेके चलती हूँ। रहीम जी बहुत सारी चीज़ें लेके आ गई, तो ये है सब्ज़ मिर्चें और प्याज, साथ में मेथी और सब्ज़ लहसुन, तो अभी चूल्हे में आग जलाती हूँ, फिर पकाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आग मैंने जला ली है, गैस के ऊपर रखती हूँ और ये बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की ऐड करते हैं, घी मैंने ऐड कर लिया अच्छी तरह, घी गर्म हो जाए। चुप। मम्मा जी बस करिए। हमारे पास है नहीं, ये ऐड कर लेती हूँ।
रहमानिराइम जी मसाले की बुनाई करके अच्छी तरह मसाले पा देते हैं। मैं लसन प्याज की बुनाई करके तो हम मसालों की अच्छी तरह बुनाई कर दी हूँ। अच्छी तरह जी लस्सी के बेसन मिक्स किया है पकाने, क्योंकि सादा सिंपल ही असी कढ़ी बनानी, ज़्यादा असी पकौड़े शकौड़े नहीं पाने, क्योंकि चटपटियां चीज़ा खाने तो बड़ा दिल करता, लेकिन फिर मैदा जोड़ा फिफड़े तो मैदा ये ज़्यादा खराब हो जाते, क्योंकि सोजिश भी ज़्यादा, जख्म वगैरह नहीं हट रहे। इस वास्ते अल्लाह मियां जी सब सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह पा माँ बाप को भी सलामत रखे, तो बच्चों भी बच्चों का साया माँ बाप से सलामत रहे, तो और माँ बाप का साया बच्चों से सलामत रहे। तो हूँ अच्छी तरह असी इन्हें मसालों की बुनाई कर लें। साबा जीरा भी पाता मैं, तो बाकी धनिया मेरे को पीसिया हुआ, लेकिन दूसरा भी है भी हाथ मल के पावगी। पहले हूँ मैं बुनाई करके या पा ला, अगे मैं अग चला के आप ही बच्चों देख लग गई सी, दूर सारा फिर नीचे गिर गया। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहना कि हदीस में लिखा भैन मेरी के कोई नहीं पता, मैं गल इस तरह जड़िया कर दी यही इस वास्ते कहती सी, और मैनू नहीं पता इस बारे भी, सारे ये कहते भी दूध गिरया हो अच्छा नहीं होंगे, तो इस तू कहती रहीम जी। अच्छी तरह मसाले की बुनाई करके मैं बिच बेसन तो लस्सी जी मिक्स की पाती हूँ, अच्छी तरह इन्होंने पका अच्छी तरह गाढ़ा होने तक, क्योंकि काफ़ी टेस्टी बन जाए। इस वास्ते रहमान रहीम जी कढ़ी साड़ी पक गई है, तो हूँ पका रोटियां, क्योंकि हफ्तारी टाइम थोड़ा ही रह गया माशाल्लाह जी। बाकी कोई कमी पेशी हो तो फिर इन्हें पकावे, तो हूँ जल्दी जल्दी रोटियां बना लें, क्योंकि हफ्तारी टाइम कम ही, तो जल्दी जल्दी वो काम भी खत्म हो जाएगा। मैंने लगती थोड़ी जी नरम है, तो उन्नी देर मैं पीड़े छिड़े करके रख लें, उन्नी देर पक जाएगी, उन्नी देर दे माशाल्लाह जी कढ़ी की खुशबू काफ़ी मेथी ना तो मसाले ना काफ़ी प्यारी आ रही है। जीरा भी पाता, सुखा धनिया भी सारे पा दिते, तो हूँ थोड़ी देर पक रहे तो फिर उतार लें, रोटियां पका लेंगे।